पाकिस्तान के पास 3 हफ्तों का खर्चा बचा है, बट लास्ट 6 महीने में $1.2 बिलियन की लग्जरी कार्स इम्पोर्ट हुई है। 2018 से कुछ टाइम पहले वोट लेने के चक्कर में अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली बूस्ट किया और इस काम में लगा दिया $7 बिलियन, और उसी की वजह से आगे चल के एक्सपोर्ट्स कम हो गए और इंपोर्ट्स बढ़ने लगे, यानी रिजर्व से पैसा जाने लगा। पिछले साल ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से जब सभी कंपनीज अपने फ्यूल प्राइसेस बढ़ा रहे थे, तो पाकिस्तान ने वोट लेने के चक्कर में फ्यूल प्राइसेस को काटा और 250 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज का नुकसान खाकर सस्ते में पेट्रोल दिया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना ने भी अब तक 30 बिलियन से ज्यादा का लोन पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तान को लगा इकोनॉमी बढ़ेगी, जॉब्स क्रिएट होगी, बट ऐसा नहीं हुआ। प्रोजेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए चाइनीज लेबर एंड चाइनीज मटेरियल यूज हुआ, बट पाकिस्तान स्टिल हैज टू रिटर्न $30 बिलियन। पाकिस्तान वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, बट पिछले साल बाढ़ आने के कारण इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जैसे कि कॉटन डैमेज हो गई। अब पाकिस्तान यही सब चीजें इंपोर्ट कर रहा है। करेंसी 32% डाउन है, इन्फ्लेशन 24% अप। किसी भी तरीके से पाकिस्तानी रिजर्व में पैसा नहीं आ रहा है। IMF ने अब तक 23 टाइम्स पाकिस्तान को डूबने से बचाया, बट पाकिस्तान ने कभी भी इंप्रूवमेंट शो नहीं किया। इस बार IMF से पैसा मांगना काफी मुश्किल होगा, स्पेशली तब जब $1.2 बिलियन की लग्जरी कार्स इंपोर्ट हो रही है। आगे क्या होगा आप बताओ।